नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे देसी पेड़ा। देसी पेड़ा सभी को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमारी रेसिपी को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन में हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी हमने यहाँ पे पूरा 2 चम्मच लिया है, तो आधा हम बचा लेंगे और 1 चम्मच के करीब हम देसी घी इसमें डाल देंगे। अब पैन को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे और इसमें हम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। और 2 कप हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, तो आगे वीडियो में मैं बताऊँगी कि कौन सा मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। अब मिल्क पाउडर को बिल्कुल धीमी आँच में हमें इस तरह से भून लेना है और इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी भून जाता है, तो आँच का बहुत ध्यान रखें, आँच तेज़ ना करें और धीमी आँच में ही इसे इस तरह से चलाते हुए भून लें। अगर आपको जब भी कभी लगे कि हमारा मिल्क पाउडर जल रहा है, तो तुरंत आप गैस को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहिए और फिर से गैस को ऑन कर लीजिए। बस इसे धीमी आँच में कलर चेंज होने तक भूनना है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इसमें मेरे क्रिस्टल से दिख रहे हैं, लेकिन ये मिठाई में आपको नहीं आएंगे, ये एकदम से उल्टे सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बस हम इस तरह से इसे चलाते हुए भून लेना है कलर चेंज होने तक। एवरीडे का मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। और देखें अच्छे से हमने इसका कलर चेंज कर लिया है, आपको दिख रहा होगा, और इसी तरह से कलर चेंज हमें इसका कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं इसमें थोड़े थोड़े जल से गए हैं, गुलठे से दिख रहे हैं, तो उसे हम इस तरह से दबाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो गैस को बंद कर दें और फिर सारी चीज़ें मिलाएं, या फिर आँच को बिल्कुल मेरी तरह धीमा ही रखें और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हम डालते जाएंगे। तो मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। इसमें हम दूध ऐड कर देंगे 1/2 कप और 1/3 कप हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। मिल्क पाउडर हल्का मीठा सा रहता है, इसलिए मैंने चीनी का कम इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें चीनी डाल सकते हैं, पर 1/3 कप चीनी 2 कप मिल्क पाउडर में परफेक्ट होती है। तो इस तरह से अब हम इसे चला लेंगे धीमी आंच में, हमें इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सूखा है, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे पहले मिला लिया है, अगर लगेगा कि हमें दूध की ज़रूरत है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे कि दो ही चीज़ों से हमारी जो मिठाई है बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार बढ़िया सी नए तरीके से बनकर तैयार होगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एक भी चिपकेगी नहीं, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी। और बस अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएँ और जो गुलटे हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस अब हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और पका लेंगे। मैंने कई तरह की मिठाइयाँ की रेसिपी आपको दी है, पर ये भी मिठाई की रेसिपी बहुत ही बढ़िया है और इससे तो पूरा देसी पेड़ा का स्वाद आता है। तो इस तरह से आप इस मिठाई को बना सकते हैं घर में बहुत ही कम चीज़ों से। अगर हम मावा लेने जाते हैं तो मावा भी हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो हम मिल्क पाउडर की सहायता से मावा जैसी मिठाई घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमें मावा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मावा की जैसी बिल्कुल हमारी स्वादिष्ट मिठाई बनके घर पर ही तैयार हो जाएगी। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। आप देखें ये अच्छे से पक गया है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी जो हमने बचाया था, और अब हमें इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए इस तरह से चला लेना है धीमी आंच में। आप देख रहे होंगे कि कितना ये दानेदार बढ़िया सा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया ये पका है। इस तरह से आप मिठाई बनाएंगे
तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। और ये पक गया है, अच्छे से देखें आप, कंबाइंड हो रहा है, पैन को भी एकदम छोड़ा हुआ है, बहुत ही बढ़िया भुरभुरा सा दानेदार दिख रहा होगा। अब हम इसे इतना ही पकाएंगे और इसे निकाल लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। तो इसे इस तरह से हम निकाल लेते हैं, हाथों पर हल्का सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से कंबाइंड कर लेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल मावा का टेक्सचर इसमें आया है, बस इसे कंबाइंड करना है। तो इस तरह से मैं इसे कंबाइंड कर ले रही हूँ और ये देखें, ये बढ़िया सा डो हमारा बन गया है। अब हम मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की लोई ली है, जितना एक छोटा नींबू होता है उस तरह की मैंने यहाँ पे लोई ले ली है। हाथों से पहले मैंने इसे लड्डू जैसे बना लिया है और हथेली की सहायता से हम इस तरह से गोल गोल करके दबा देंगे। आप इन पेड़ों को कोई भी साइज दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। मैंने इस तरह से चपटा करके एक ढक्कन की सहायता से इस तरह से इसमें कर दिया है, जिससे देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस तरह से बनाने के बाद इसके ऊपर बादाम सजा दीजिए या फिर काजू, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो सजा सकते हैं, जो बिल्कुल देसी पेड़ा जैसे दिखेंगे। तो इस तरह से हम पेड़ों को बना लेंगे। अगर किनारों पर ये फटे तो हम किनारों पर भी इस तरह से गोल गोल करके अच्छे से चिकना कर लेंगे और सारे पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।